ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, वाली वीडियो में फिर से बहुत दिनों बाद खेलने जा रहा हूँ WWE 2K23, और इसमें मैच खेलने जा रहा हूँ रोमन रिंग्स वर्सेस जे ऊसो, वो भी समर स्लैम में। वैसे भी इनका मैच समर स्लैम में होने वाला है, लेकिन वो अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप के लिए होने वाला है, लेकिन मैंने ये नॉर्मल मैच लगाया है। और इस मैच में बहुत दिनों बाद खुद खेलने वाला हूँ, मतलब मैं रोमन रिंग्स को कंट्रोल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैच शुरू हो चुका है, बैल बजा दिया है रेफरी ने, और ये मैंने यहाँ पर जे ऊसो को कूटना शुरू कर दिया है, और सिग्नेचर का बार बढ़ने लगा है। ठीक है, जल्दी से सिग्नेचर आया है, तो जल्दी खड़ा हो। तो ये ले पंच, ये तेरी, तो ये जे ऊसो, ये ले क्लोज लाइन। और गाइस, मतलब कि जे ऊसो और रोमन का मैच समर स्लैम में होने वाला है, तो आप एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट में बता देना। तो यहाँ पर एक समोन ड्रॉ लगा दिया है जे ऊसो ने, और अब तो तुम्हारा भाई रिवर्स करना भी सीख गया। और ये एक मुंह पे लात जे ऊसो के, और जे ऊसो की बॉडी यहाँ पर इतनी जल्दी येलो हो चुकी है, बहुत बढ़िया। और ये एक नेक ब्रेकर, और मेरा सिग्नेचर आने हैं, बस थोड़ा बहुत ही कवर आ गया, बस थोड़ा बहुत एक आध दो पंच मार लो तो सिग्नेचर आ जाएगा मेरा। और ये रिवर्स कर दिया यहाँ पर जे ऊसो ने, ये भाई साहब सुपर किक, और यहाँ पर ये पंच मारना चाहा बट रिवर्स कर दिया, और ये एक तगड़ी क्लोज लाइन, और यहाँ पर सिग्नेचर बिल्कुल आ ही चुका है। चलो अब जल्दी से यहाँ पर लगाते हैं सिग्नेचर। ये ले जे ऊसो, ये ले पर पंच, और ये फिर से रिवर्स कर दिया, और ये मुंह में एक घुटनी मारी है इसने, मतलब कॉर्नी। और सिग्नेचर आ चुका है भाई, सिग्नेचर लगाएंगे निरुद्धव, पहले से थोड़ा और डैमेज कर लेते हैं, मैं गिलिटिन लगाऊंगा। तो फिर से रिवर्स कर दिया है बंदा, रिवर्स कितना कर रहा है। यहाँ पर मैंने रिवर्स करा था बस, बट रिवर्स नहीं हुआ पता नहीं क्यों। तो यार ये बंदा छोड़ने का नाम नहीं दे रहा, तो रिवर्स हो जा। तो लेट्स गो गाइस, तुम्हारा भाई ने रिवर्स कर दिया है, ऐसी बात नहीं, तुम्हारा भाई थोड़ा थोड़ा करके फ्रो होते जा रहा है। और ये तगड़ी क्लोज लाइन, और अब टाइम है यहाँ पर सिग्नेचर लगाने का। तो लेट्स गो गाइस, तो ये पकड़ ली मैंने गिलिटिन, टैप आउट तो नहीं करेगा, वैसे रेजिलेंसी नहीं है शायद से जे ऊसो के, पता नहीं। तो यहाँ पर अब आ चुका है तुम्हारा भाई के पास फिनिशर, तो जे ऊसो एक फिनिशर में वैसे भी नहीं जाने वाला, मतलब दो तीन फिनिशर तो लगानी पड़ेंगे। तो ये ऊसो की बरसात कर दी है मैंने पंच की, और ये फिर से क्लोज लाइन। तो लेट्स गो, यही टाइम है यहाँ पर स्पीयर लगाने का, वैसे भी जे ऊसो स्टन होने वाला है। तो ये हुआ कर दिया है रोमन रिंग्स, और ये तगड़ा स्पीयर, और पिन फॉल करते हैं, लेट्स गो, ट्राई तो कर लेते हैं पिन फॉल का। और यार ये गाइस, यार फिर से पिन फॉल नहीं हो रहा है, यार मैं क्या करूँ, मैं खुद देख के आया था किस बटन से पिन फॉल होता है। अब मुझे गिलिटिन से यहाँ पर टैप आउट कराना पड़ेगा यहाँ पर जे ऊसो को, चलो कोई बात नहीं। और गाइस यार, मैं इतनी बढ़िया वीडियो डालता हूँ और इतने कम व्यूज आते हैं यार, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है गाइस। और यहाँ पर किसी ने इंटरफेरेंस कर दी, ठीक है, हर मैच में कोई इंटरफेरेंस क्यों करता है। और ये आईवार, और आईवार ने लगा दिया है यहाँ पर अपना मूव, फिनिशर तो नहीं है, ओ जे ऊसो पिन फॉल करेगा, ये तो रियल WWE की तरह हो रहा है। तो ये रेफरी पता नहीं कहाँ देख रहा था, अब देखो पिन फॉल करने के लिए बहुत जल्दी आ गया, तो यहाँ पर किक आउट तो कर दूंगा मैं। तो लेट्स गो गाइस, अभी मेरे पास ना ही सिग्नेचर है ना ही फिनिशर है, और मैं अभी स्टंट पड़ा हुआ हूँ, ना ही रिवर्स कर सकता। तो जल्दी से स्टंट मीटर हटने का वेट करते हैं। तो लेट्स गो, मैं स्टंट से हट चुका हूँ, और जे ऊसो की बॉडी रेड हो चुकी है भाई साहब, ये चला जाएगा जल्दी। तो ये क्या बाहर फेंक रहा है, नहीं तो ग्रैपल करना चाहा बट ये बंदा ग्रैपल नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जल्दी से रोमन रिंग्स सिग्नेचर लाओ, और इस जे ऊसो को जल्दी से ख़त्म करो, ये तो रिवर्स कभी होता है कभी नहीं होता है। तो ये तुम्हारा भाई ने कर दिया रिवर्स। और अगर आपको WWE 2K23 की और गेम प्लेस वीडियो चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर फिर से जे ऊसो ने रिवर्स कर दिया,
ये रिवर्स रिवर्स खेला जा रहा है। और गाइस आप अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और पिनफॉल, अरे कुछ शर्म तो कर ले, अभी इसने मारा ही क्या है, सिग्नेचर तक नहीं लगाया जी उसने, आया ही नहीं लगाएगा तुझे भी। तो यहाँ पर जल्दी रिवर्स करते हैं। और गाइस तुम्हारा भाई के पास सिग्नेचर आ चुका है, लेकिन ये लगाने दे तभी तो, फुल इसको सिग्नेचर और फिर से रिवर्स। तो अब क्या लगाएगा ये समोन ड्रॉप, तो सिग्नेचर और इसी के साथ थोड़ा और कम रह गया है, फ्रीसर आने वाला है। तो ये इतना रिवर्स कर रहा है, क्या बताऊँ मैं, ये रिंग के बाहर क्यों चला गया अपने आप। और ये बंदा यहाँ पर टॉप रोप से कूदने वाला है, वो नहीं कूदा, बहुत बढ़िया जे उसको। तो जल्दी से मैं रिंग के अंदर आ जाता हूँ और रिवर्स 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 जल्दी वो रिवर्स कर दिया है, लेट्स गो। और अब मैं सिग्नेचर लगाता हूँ, टैप आउट कर दिए यार ये जे उसको, टैप आउट कर दिए, टैप आउट। तो यहाँ पर लगा दिया है गिलेटिन और अभी भी टैप आउट नहीं कर रहा बंदा, ये कितनी वो खाएगा फिनिशर और सिग्नेचर। तो कोई नहीं, दो फिनिशर आ चुके हैं अब तुम्हारा भाई पर, ओवरनेंस पे। और ये रिवर्स, तुम्हारा भाई भी रिवर्स करना सीख गया, ऐसी भी बात नहीं है। तो ये इस बंदे ने भी रिवर्स कर दिया, ये मुझे लग रहा है रिवर्स रिवर्स खेला जा रहा है। मैं रिवर्स करता हूँ, कभी जेबू से रिवर्स करता है। तो ये क्लोज लाइन, तो इसको यहाँ पर मैं फ्री से लगाने जा रहा था, बट जी उस और इनके बाहर चला गया था। और गाइस जल्दी से इसके आने का वेट करते हैं, क्योंकि काउंट आउट से नहीं जीतना है वही मैच। तो 1-2 हो चुका है, अरे यार ये काउंट आउट से हेलमेट नहीं हो जाए, 3 हो चुकी है। अरे यार चलो कोई नहीं, मुझे तो जीतना है वैसे भी, 4 हो चुके हैं, लगता है ये बंदा काउंट आउट से ही जाएगा। तो 5 हो चुका है, गया भाई गया, मुश्किल अभी आए 6। और गाइस इसके बाद मैंने आपको दिखाया नहीं, वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट होता है, जे उसे यहाँ पर काउंट आउट से एलिमिनेट हो गया और यहाँ पर जीत चुके हैं द ट्राइबल चीफ। तो गाइस आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।